आज के दौर में रिश्तों का खून पानी होता जा रहा है। जमीन के एक टुकड़े के लिए अपने ही अपनों के खून के प्यासे हो गए हैं। कुछ ऐसा ही हरदोई के संडीला इलाके में हुआ। यहां संपत्ति के लिए पिता के उकसावे पर बड़े भाई ने छोटे भाई की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। ताजा मामला हरदोई जिले के संडीला कोतवाली के मगरा अटसरिया का है, जहां लंबे समय तक प्रधान रहे उदय सिंह के परिवार में संपत्ति बंटवारे को लेकर बेटों के बीच विवाद था, जो खूनी रंजिश में बदल गया। वहीं आरोप है कि उदय सिंह के उकसावे पर बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं घटना के दौरान मृतक की पत्नी अपने पति को बचाने दौड़ी, तब तक खून से लथपथ पति जमीन पर गिर गया और देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। गांव के पूर्व प्रधान के घर हुए हत्याकांड से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। घटना के बाद गांव में भारी पुलिस फोर्स लगा दी गई है। पुलिस ने मृतक की पत्नी की तहरीर के आधार पर आरोपी पिता और देवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। संडीला थाने के अटसलिया गाँव में मजरा एक मगरा है, जिसमें आलोक कुमार सिंह ने अपने भाई शिवेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी है, जिसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अग्रिम जांच जारी है। और मृतक की पत्नी ने अपने ही ससुर पर और अपने ही जेठ पर, यानी कि मृतक के भाई और भाई पिता पर ही आरोप लगाया है और दोनों में एक व्यक्ति से भी पूछताछ की जा रही है और आगे जानकारी की जाएगी। हरदोई से जनमत न्यूज़ के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।